बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ताहिरा जाफ़र तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। मुझे सवाल पूछा गया कि 17 माह रमज़ान को, 17 तारीख को इतनी अहमियत क्यों दी गई है कि नामुमकिन दुआ मुमकिन होगी, इस रात को इतनी ज़्यादा फजीलत। गोया ऐसा लगता है कि शब कदर के लिए भी ये जुमला नहीं कहा गया, ये तो कहा गया कि ये रात किस्मत बनाने के लिए रात है, अपनी तकदीर को बनाओ। ये रात कैसे आपने गुजारी उसके मुताबिक आपके 11 महीने की किस्मत बनेंगी। मगर ये जुमला किसी उलमा में से हमें नहीं कहा कि तुम्हारी नामुमकिन दुआ कबूल होगी। सिर्फ़ और सिर्फ 17 माह रमज़ान की शब के लिए कहा गया है, और 17 का दिन भी इतना ही ज़्यादा अहमियत रखने वाला दिन है, दुआ के लिहाज से, अच्छी नेकियों के लिहाज से। वजह क्या है? पहले मैं वजह बताती हूँ, फिर जो अमल बताऊँगी कि जो बहुत ज़्यादा मुजरब अमल है। क्योंकि ये इस्लाम की जंग बदर पहली जंग थी, सबसे पहली जंग है इस्लाम की, और मुसलमानों ने कभी भी जंग का आगाज़ नहीं किया है। इस्लाम पीस का मज़हब है, इस्लाम सलामती का मज़हब है, सलामती चाहता है। कभी भी इस्लाम कोई ऐसी जंग नहीं कि इस्लाम ने आगाज़ किया हो। इस्लाम ने हमेशा सेल्फ डिफेंस के लिए अपना बचाव करना, वो तो वाजिब है। तुम्हें अगर दुश्मन अटैक करे, हमला करे, तो तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है कि अपना दिफा करो। तो दिफा के लिए बैटल इस्लाम ने फाइट किया है। रसूल को बहुत देर से पता चला कि मक्के के कुरेश दुश्मना ने दीन मक्का छोड़ के मदीना की तरफ आ रही है हमला करने के लिए। उनका एम है कि रसूल को या मार डालो या रसूल को हम जिंदा पकड़ के ले जाएंगे हमारे साथ, ये उनकी ख्वाहिश थी। और मुसलमानों को हम कत्ल करेंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रिपरेशंस किया, तैयारी की। जब रसूल को पता भी नहीं चला, रसूल के पास अल्लाह ने इतना इल्म गैब दिया है, उनका पूरा इल्म गैब नहीं दिया है, सारा इल्म गैब अल्लाह के पास है। मगर अल्लाह ने खबर दी कब दी, ताकि रसूल की भी इम्तिहान होती है। तो वो लोग तो बड़ा रास्ता क्रॉस कर चुके थे मदीना की तरफ आने के लिए, फिर अल्लाह ने रसूल को खबर दी कि अब तुम उसका मुकाबला करना पड़ेगा, तुम्हारी सेल्फ डिफेंस के लिए तुमने अपने आप का दिफा करना पड़ेगा। तो वो लोग 200 माइल क्रॉस कर दिए और रसूलुल्लाह ने 80 माइल। बदर का डिस्टेंस किस तरह था? बदर जो था मक्का से 200 माइल और मदीना से 80 माइल। तो अंदाज़ा लगाओ कि कितना जल्दी वो निकल चुके थे। फिर रसूल को पता चला कि बदर पे मुलाकात हुई है, और उन लोगों ने ज़बरदस्त तैयारी की थी कि उन तो कब से तैयार कर रहे थे। रसूल मदीना से पहुँच चुके, उसका दूसरा साल है 2 AH, मगर रसूल को नहीं पता था कि इतनी ज़बरदस्त तैयारी की। 1000 सोल्जर सिपाहियों, सब स्ट्रॉन्ग ताकतवर, बड़े बड़े चीफ्स, सबसे ताकतवर तरीन की तैयारी की थी, और सारे हथियार, कई घोड़े अपने डिफेंस के लिए जो आर्मर होता है, सब जोश और खरोश की तैयारी करके मक्का से निकले थे। और रसूल को तो अचानक पता चला, तो उन लोग रसूल ने 313 को जमा किया, खुद रसूल उसमें साथ है, मौला अली और हज़रत हमज़ा, वो हीरोज़ थे बैटल के, वो जंग के हीरोज़ थे। सबसे ज़्यादा कामयाबी रसूल की दुआ और हज़रत अली मौला अली और हज़रत हमज़ा, और साथ थे सोल्जर्स भी, सब सारे सिपाहियों ने बहुत बड़ा इनका हिस्सा था। तो वो 313 थे, जिसमें ज़ईफ बच्चे सब शामिल है, वो सब जवान हट ताकतवर तरीन थे, सब उनके सब मक्के के चीफ थे उसमें। यहाँ हथियार भी कम था, फिर 2 घोड़े थे, 70 तो कैमल्स थे, ऊंट थे, घोड़े ज़रूरत को तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं, मुगल के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे, और 313 सिर्फ, अंदाज़ा लगाए। और उनके पास सब कुछ, और उन्होंने बदर का जो पानी का हिस्सा था ना, स्ट्रीम था, जो स्ट्रीम बदर का स्ट्रीम, जो पानी का, पानी की स्ट्रीम जो थी ना, उस पर कब्ज़ा ले लिया। कौन? दुश्मना ने दीन कब्ज़ा ले लिया, तो हम मुसलमानों को दूर जगह मिली, स्ट्रीम से दूर जगह मिली, और वो पानी देने के लिए भी तैयार, पानी वहाँ से लेने के लिए भी रास्ता क्रॉस करना पड़ता था, वो देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो पानी के बगैर गोया कैसे, आप अंदाज़ा लगा कैसे गुजारा जा सकता है, इतनी बड़ी जंग, 1000 का सामना करने, 313 को, जिसमें बच्चे ने बूढ़े भी शामिल है, तो हथियार भी पूरे नहीं है,
और फिर खूबी तो ये, एक तो पानी उनके तरफ और जगह भी अच्छी ले ली, बिल्कुल साफ सुथरी जमीन कि जहाँ भाग सके, मैदान में भागना पड़ता है। एक तो घोड़े उनके पास थे और भागने की भी आसान नहीं। उन लोगों को मुसलमान को जो जगह मिली वहाँ रेत थी, अगर रेत पे भागना मुश्किल है, रेत थी तो भागना भी मुश्किल, हथियार की भी कमी, सिर्फ 313 वगैरह वगैरह, कोई चांस ही नहीं था। नहीं, उनमें कुछ लोगों पे गुस्सल भी वाजिब हो गया। अब ऐसे मरहल में पानी का एक कतरा नहीं था उन लोगों के पास, क्योंकि वहाँ स्ट्रीम तो थी मगर उनके कब्जे में, उन लोगों ने कब्जे में ले लिया। अब अल्लाह, उन लोगों ने दुआ की, 17 माह रमज़ान की रात, ये सारे अल अहले बदर के सिपाहियों जो हिस्सा लेते थे, उन्होंने खूब गिर गिरा के अल्लाह के पास दुआ की, खुदा हमारी मदद, ये जीत तो नामुमकिन नज़र आती है मगर तू ही, हम तो तेरे पास गिर गिरा के दुआ करते। और अल्लाह ने उनकी दुआ किस तरीके से कबूल की, तेज रफ तेज बारिश भेजती, तेज बारिश, जिनको गुस्सल वाजिब उनका गुस्सल हो गया, उन्होंने पानी का जखीरा जमा कर दिया, इतनी तेज बारिश कि सारे बर्तन सब भर गए, पूरा पानी मिल गया, इतना कि पूरे जंग के दौरान काम आ जाए, ऐसी अल्लाह ने बारिश भेजी। और उसके बाद अल्लाह ने जंग के दौरान, दिन में जंग हुई, 17 माह रमजान का दिन था जब जंग हुई, तो उसमें अल्लाह ने 3,000 मलाइका को भेजा, 3,000 एक के बाद दिगर तीन लाइन हो गए, 1,000 भेजा, फिर दूसरा 1,000 भेजा, तीसरा 1,000 भेजा, तो वहाँ मलाइका की हुजूम, रसूल जे अकरम जैसी की दुआ, वो अली और हमजा जैसे मुत्तकी परहेज़गार ताकतवर वॉरियर, इन सब की जमा, और कहते खास ये कंपेनियन जो साहिब तक्वा वाले थे, जो ज़ईफ बच्चे जो से, उनकी दुआ को अल्लाह ने मुस्तजाब किया, उनकी दुआ में अल्लाह ने बारिश भेजी, और उनकी दुआ से अल्लाह ने 3,000 मलाइका को भी भेजा कि उनको तकवियत हासिल हो। और ऐसी जीत नामुमकिन काम को जिमती हुआ, नामुमकिन दुआ मुमकिन हुई, नामुमकिन दुआ मुमकिन हुई, अंदाजा लगाए उनके 70 लोग, 70 लोग वासिले जहनम हुए, और सबसे बड़े बड़े लोग जो ताकतवर तरीन जो लोग थे, 70 लोग वासिले जहनम मुसलमानों ने मार डाला, कत्ल कर दिया, और 70 को 70 को कैदी बनाया गया, बाकी तो भाग गए, बाकी 70 को पकड़ लिया गया, तो 114 70 और 70, आप देखो उनकी जीत कितनी, और मुसलमान के 14 शहीद हुए, सिर्फ 14 शहीद हुए। इतनी जबरदस्त जंग, इतना माल गनीमत सब कुछ हासिल किया है, और इस्लाम की ये पहली जीत, बल्कि पहली ईद माना जाती है, इस्लाम की पहली ईद 17 माह रमज़ान की तारीख है, पहली ईद इस्लाम की, जिसमें अल्लाह किसी की भी दुआ रद्द नहीं करता, नामुमकिन दुआ को दुआ कबूल करता है, जिसके अहले बदर की दुआ कबूल हुई, इसी तरह कोई भी इस रात को दुआ करे तो अहले बदर की बरकत से, उनकी इस्लाम की जीत के वजह से हर एक की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो बारिश ने दूसरा काम क्या किया, उनकी जो अच्छी जगह जो थी, अच्छी ज़मीन, वो मड़ी हो गई, कीचड़ हो गई, कीचड़, बारिश ने कीचड़ कर दिया, तो भाग नहीं सकते थे वो लोग, कीचड़ कर दिया। नहीं, मुसलमान की जो रेत थी ना, वो बारिश की वजह से बैठ गई, आराम से भाग दौड़ कर सके, बैठ गए। ये जमीन की भी मदद मिली, मलाइका ने, उन थोड़े थे तो वो आ गए, बारिश ने क्या क्या मदद की, पानी भी मिल गया, सब कुछ एक दुआ के सर। तो इसीलिए उलमा कहते कि मासूम ने फरमाया कि जिसकी जिसकी कोई दुआ कबूल ना होती हो, वो खुले दिल से दुआ करे 17 रबीउल रमज़ान की रात और दिन, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इससे से 16 दिन माह रमज़ान का गुजर चुका है, 16 दिन गुजर चुका है, यानी हमारी तकवा की ताकत भी हमारी बढ़ गई, अकीदा भी मजबूत हुआ, हमने मगफिरत भी बहुत मांगी, हमारे गुनाह भी माफ हुए, तो हमें भी ताकत मिल गई, तो हमारी दुआ भी कबूल होगी, क्योंकि उनके पास तकवा था, और हमारे पास 16 दिन तक हम तकवा तकवा पे पीछे पड़े हैं, गुनाह से बचो, गुनाह से बचो, हर हमारे आजेबा जवारे रोजा रख रहा है, गुनाह से बचते, तो हम भी ताकतवर हो गए, तो हमारी दुआ में भी ताकत हो गई, दुआ में भी ताकत मिल गई, हमारी दुआ को भी ताकत मिल गई माशाल्लाह। इसीलिए नामुमकिन दुआ अगर करवानी है तो हमें 17 रात को, 17 के दिन को कबूल हो, खास करके रात, मगर जीत तो दिन में हुई है, पहली इस्लाम की जो जीत ईद थी वो दिन में, दोनों बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अबू लहब जो रसूल को इतना सताता था, इतना सताता उनके सगे चचा ने क्या अजियत पहुँचाई उनको, उनको जो इतना दुख हुआ, इतना कि बड़े बड़े सब उनके दोस्तों, बड़े बड़े ताकतवर
सब वासीले जन्म हुए। इतना दुख हुआ, इतना दुख, इस दुख दुख में बीमार हो गया कि हफ्ते के अंदर वासीले जन्म वो भी हो गए। वासीले इतना बड़े बड़े दुश्मन सब वासीले जन्म हो गए। रसूल का काम कितना आसान हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि नामुमकिन दुआ कबूल होगी। अच्छी तरह गिर गिरा के दुआ करें, जो जो चीज़ हमें चाहिए अच्छी तरह, वो रात जितना जाग सके, और गुसल है वो कुर्बतन इल्लाह का गुसल है। पहली शब को था, अब 17 को है, बाकी की रजा का गुसल है। अब 19 को कुर्बत वाला होगा, 21 को, 23 को, 24 को कुर्बत वाले, फिर सब बाकी का रजा वाले गुसल के सवाब की उम्मीद में हम करते हैं, वो भी उसका भी बहुत सवाब मिलेगा, सवाब की उम्मीद में भी करना। तो ये सारा किस्सा है। अब हम अमल क्या करेंगे? गुसल तो है 17 को करेंगे, इबादत जितनी कर सकते करते, इतनी बड़ी रात है, हमें दुआ कबूल करवानी है। मगर जो अमल उलमा ने बताया मासूम के हवाले से, कि जो आप सूरह अनफाल जो 8 नंबर का सूरह है ना, उनकी 5 आयत से पूरा ये किस्सा शुरू होता है, जो मैंने तो शॉर्ट में बयान किया। जिसको आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो तो सूरह अनफाल 8 नंबर का सूरह है, उनकी वर्स नंबर 5 से लेके ऑन वर्स, ये पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी जंग बदर की, तो आप वहाँ से पढ़ना शुरू करें। इसमें 9 नंबर की आयत है ना, ये ज़बरदस्त आयत है, जिसमें अल्लाह जवाब दे रहा है, जिसमें अल्लाह अहले बदर को जवाब दे रहा है। क्या कह रहा है कि जो इस तस्तगीसुना, जो इस्तगासा करना, इस तस्तगीसुना रब्बकुम, उन लोगों ने, तुम लोगों ने, अल्लाह के तुम लोगों ने अल्लाह से इस्तगासा किया, मदद मांगी, शबे 17 माह रमज़ान को तुमने ये, फस्तजाब लकुम, खुदा ने तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब की। ये आयत में देखो, फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम अल्फी मिनल मलाइका, तब तुम्हारी कुशादगी की कितने मलाइका से, 1000 दर अल्फी, मगर 3 लाइन मलाइका की भेजी, मुर्दफीन लाइन बाय लाइन, 3 लाइन भेजी, तो 3000 मलाइका को। ये आयत में वो हमें कहा गया कि ये आयत कोई 14 मरतबा पढ़े 11 रातों तक, 14 मरतबा सेम आयत इस तस्तगीसुना से लेके मुर्दकीन, वो 14 मरतबा पढ़े 11 रातों तक, एवरी नाइट, ईशा नमाज बाद, ईशा की नमाज बाद कभी भी, सोने से पहले ईशा नमाज के बाद 14 मरतबा पढ़े 11 रातों तक, उनकी नामुमकिन हाजत मुमकिन होगी, इम्पॉसिबल काम को लोग पॉसिबल कर सकेंगे। तो ये करना, और फिर ये मशवरा है कि देखो पूरा साल आप यहाँ हम कर सकते, पूरा साल जब भी हमारी हाजत है, परेशानी है, हम ये अमल कर सकते 11 रात तक 14 मरतबा आयत पढ़ें। मगर क्योंकि 17 रात तो पहली रात है जब उनकी दुआ कबूल, फिर शारे शब कदर इसमें 11 रात तक, हम देखें तो 27 माह रमज़ान भी रिवायत में है, शब कदर है, तो 17 के रात से हम दुआ शुरू करेंगे ये आयत 14 मरतबा, और 27 में बराबर 11 तारीख 11 नाइट होंगी, 11 रात तो हो जाएंगे। इस 11 रातों को हम ये अमल अगर करेंगे तो आप देखना कौन सी हाजत के लिए अल्लाह को तलब करो, वो ये सारी हाजत इंशाल्लाह कबूल होगी। तो ये अमल बहुत मुजरब है, आपके बताया आपकी फैमिली को 11 रातों तो करना है, मगर बेस्ट रातों है 17 से लेके 27, इसमें ज़रूर करें। फिर ज़िंदगी में जब भी परेशानी हो, किसी भी किस्म की हाजत हो, तब भी 11 रातों तक ये करते रहे। तो बस यही बताया गया था। तो अल्लाह, हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, जिसके लिए आपको अभी से शुक्रगुजार हूँ, और मैं भी आप लोगों की दुआ करूँगी, जो सुनने वाले हैं सबके लिए मैं दुआ करूँगी, आप भी हमारे लिए दुआ करना, हम एक दूसरे की दुआ के मोहताज है। मोमिन की जब दूसरा मोमिन गैब में दुआ करता है वो ज़रूर कबूल होती है इंशाल्लाह। हम एक दूसरे को याद करेंगे, सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على فاطمة وأبيها وأميها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بأدد ما أحاط بعلمك أساو كتابك